हे एवरीवन, आज मैं आपके साथ चिकन बिरयानी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो ये 1 kg चिकन है और ये 1 kg लगभग राइस है। यहाँ पे मैंने 8 से 10 प्याज लिए हुए हैं मीडियम साइज़ के, 4 टमाटर लिए हुए हैं और 4 हरी मिर्च है, और मिर्च मैं पहले ग्राइंड कर चुकी हूँ। और यहाँ पे मैंने आधी प्याज अच्छे से फ्राई होने के लिए रखी हुई है और यहाँ आधी बचा ली है मैंने। ये देखिए फ्राई हो रही है, ये फ्राई हो जाएगी ना, मैं इसको निकाल लूँगी। और इसमें इसी ऑयल में मैंने चिकन ऐड किया है, नमक डाला है और जो प्याज बचा के रखी थी वो डाला है। और इसको ढककर पकाएंगे। उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिकन ऑलरेडी पानी छोड़ता है। ये जो खड़ा गरम मसाला है इसको मैंने मिक्स, आप इसकी जगह आप रेडीमेड मसाला भी ले सकते हो, बट मैंने यही ग्राइंड किया हुआ है खड़ा गरम मसाला। और इसको अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो जो मार्केट में मिलता है बिरयानी मसाला वो यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास अशोक का है बिरयानी मसाला। और जब ये पानी जल गया है तो इसमें मैंने ऐड किया है मसाला जो मैंने ग्राइंड किया हुआ था, और ये मिक्सी ग्राइंड में भी पानी में डालकर अच्छे से जो मसाला नीचे लगा हुआ था वो डाल दिया है। अब इसको स्लो गैस पर पकाएंगे। और साथ ही मैंने टमाटर और हरी मिर्च लंबी स्लाइस में काट के डाला हुआ है। और ये देखिए थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने साथ ही ऐड किया है। तब तक बना लेते हैं चावल जब तक चिकन होगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें 1 बड़ी इलायची ऐड करी है। ये देखिए इसमें आपको और कुछ भी नहीं डालना है, बस सिर्फ 1 बड़ी इलायची डाल दें आप और चावल डाल दें। और चावल में पानी बस थोड़ा सा सिर्फ 1 इंच ही रखें। और यहाँ पे मैं चिकन पक रहा है और साथ में चावल में थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। और ये बनके हो गया मेरा रेडी। और ये देखिए मैं इसके पीसेस काट कर दिखा दूँ आपको कितने सॉफ्ट हैं, क्योंकि आप सोचेंगे इन्होंने पानी नहीं ऐड किया है तो ये पीसेस गलेंगे कैसे। तो ये चिकन ऑलरेडी पानी छोड़ता है, देखिए एकदम सॉफ्ट पीसेस है, मैंने कट करके दिखाया। और किसी बड़े बर्तन में आप इसमें 1-1 लेयर करके मिलाते जाएँ। ये देखिए मैंने पहले चिकन लिया है, फिर मैंने चावल डाले हैं और इसी तरीके से मैंने सब पूरा मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद लास्ट में मैंने सिर्फ जो ऑनियन फ्राई करी थी वो रखी हुई है ये देखिए ऊपर, और सामने हरा धनिया डाल रखा है। और इसमें फिर लास्ट में फूड कलर ऐड किया है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आपके राइस या चिकन गर्म हो तो उसमें फूड कलर ऐड अगर आप कर रहे हैं तो उसको मिक्स ना करें तुरंत, वरना चावल सारे कलरफुल हो जाएंगे आपके। और ये बन के हो गया हमारा रेडी चिकन बिरयानी। ये देखिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो फिर प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।